अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 26.2 मेडियन को डियर आज हम लोग एक्सरसाइज से समझते हैं। पार्ट वन में मैंने आप लोगों को एग्जांपल के जरिए समझाया हूँ। आज एक्सरसाइज के पहला नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ डियर कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं 107, 201, 92, उसके बाद 52, 113, 75 और 195। इसका मेडियन मांगा गया है। इसमें बोला है कि वो माधु अंकल्स का जो शॉप है उसका लास्ट वीक में ये 7 दिन में उसका ये प्रॉफिट हुआ है, किस दिन ज़्यादा हुआ है, किस दिन कम हुआ है, इसी तरीके से वो प्रॉफिट कमाया है। तो बताइए कि उसका एवरेज प्रॉफिट मीन हो या मेडियन हो या मोड ऑफ ईयर, ये एवरेज ही होता है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी। एक तरफ से देखा जाए तो सबके माना होता है बीच यानी मध्यम, हिंदी में जिसको मध्यम कहते हैं। तो घुरा फिरा के वही चीज़ है, लेकिन तरीका प्रोसेस अलग अलग है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डियर इसको मैथ मैंने यहाँ उतार लिया हूँ पहले से। इसको हम लोग सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग कर लेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग करने का तरीका मैं पार्ट वन में बता चुका हूँ, उसका लिंक में जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग असेंडिंग कर लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या डियर, यहाँ सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा देख रहा हूँ कि यहाँ 52 है, चलिए 52 को लिख लीजिए। उसके बाद 75 है, 75 को लिख लिए। उसके बाद क्या डियर, 92। फिर उसके बाद ध्यान के देखिएगा कि 107। उसके बाद देखिएगा 107 के बाद 113, 113। उसके बाद देखते हैं कि 195, और उसके बाद देखते हैं यहाँ 201। तो डियर इनमें से अब इसका जो मेडियन होगा वो क्या होगा, तो इसका मैं एक डायरेक्ट तरीका जो होता है डायरेक्ट आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके अगर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव खाली जगह में आ जाए डियर तो क्या टाइम वेस्टेड, कोई फायदा नहीं है। इसको फॉर्मूला के हिसाब से आएगा तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। मैं एक सिंपल सा डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ कितना डिजिट है डियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर ऑफ डेटा, कितना 7 है नंबर ऑफ डेटा यानी ओड में है। तो चलिए इसको फॉर्मूला के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँगा बाद में। यहाँ पर देखिए 7 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 ले लेंगे इधर, और यहाँ राइट हैंड साइड में 3 छोड़ देंगे। तो डियर बचा क्या, बीच में बचा 107। तो डियर यही हो गया इसका मेडियन, 107 ये आंसर हो गया डियर। कितना शॉर्ट तरीका है और काफ़ी आसान भी है। तो एक नंबर दो नंबर के लिए एमसीक्यू खाली जगह के लिए आपको करना सॉल्व थोड़ी करना है, आपको वहाँ टिक करना है। तो टिक आप जिस अंदाज में कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट याद है तो वो कीजिए, या कोई ट्रिक याद है तो उससे कीजिए, और नहीं तो फॉर्मूले से अगर करेंगे तो बेशक आप फॉर्मूले से कीजिए। इसी प्रकार हम लोग फॉर्मूले से करेंगे सॉल्व, तो क्या है और मैं कर दे रहा हूँ इसको सॉल्व, 52, 75, 92, 107, 113, 195, 201। कितना देर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा है। तो इसको फ्रेश करके लिख देता हूँ, 52, 75, 107, 113, 195, 201। इस डेटा का डियर क्या करेंगे, पहले हम एन निकालेंगे। देयर फोर एन इक्वल टू व्हाट, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा, यानी कितना डेटा है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डेटा है। तो यहाँ लिखेंगे 7 यानी 7। तो क्या है ओड है कहीं बने, तो देखते हैं कि ओड नंबर है, ओड नंबर लिख दिए। ओड नंबर का फॉर्मूला क्या डियर, फॉर्मूला में आएंगे तो फॉर्मूला इसका, देयर फोर फॉर्मूला इसका n+1/2। बस इस फॉर्मूला के हिसाब से निकालिए। तरीका इससे भी आसान है, ऐसी बात नहीं कि कोई डिफिकल्ट वे है, मगर उसको वक्त बचाने के लिए मैंने आपको ये शॉर्ट तरीका दिया कि इन शॉर्ट में आप अपनी उसको निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, एन का मतलब 7, 1+ कर देंगे यहाँ 2, तो 7 और 1, 8/2। तो 2 × 2 = 8। फोर्थ प्लेस में डियर देखिए जा करके क्या है, 1, 2, 3, 4 यानी फोर्थ प्लेस में जो वैल्यू है वही उसका आंसर है। तो फोर्थ प्लेस में वैल्यू कितना डियर, 107 जी, इसका आंसर हो गया 107। अब इन दोनों मेथड में आपको जो समझ में आया डियर, अभी जो हम लोग ये बुक से छोटा छोटा मैथ्स कर रहे हैं ना, ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव
फिलिंग द बैलेंस, ट्रू फॉल्स, इस समय पूछा जाता है। अब ट्रू फॉल्स में आप बोलते हैं उठा करके 113 इसका मीडियन है, तो आप इसको तो प्रूफ करके देना या फॉर्मूले के तरीके से दे, चाहे मैंने जो ये तरीका बता के दिया इस तरीके से आप उसको निकाल सकें। चलिए इसका दो नंबर क्या करा रही है, दो नंबर का इसका जो ये है देख लेते हैं। इसको पूछेगा 6, 10, 5, 4, 9, 11, 20, 18। चलिए इसका मीडियन हमको निकालना है। चलिए इसका मीडियन देख लेते हैं, इसका मीडियन क्या होगा दो नंबर का, क्या कह रही है 6, 10, 5, 4, 9, 11, 20, 18। तो डेटा आपको कौन तरीका आसान लग रहा है? आई थिंक कि आप अब जब तक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव देखेंगे तब तक के लिए डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल कीजिए। चलिए इसको देखते हैं, अब डायरेक्ट तरीके से मेडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसेंडिंग कर लेंगे। तो एसेंडिंग में सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा लग रहा है 4, उसके बाद 5, 6, 6 के बाद डियर 6 के बाद 9, 10, 11, 11 के बाद 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेटा। इसलिए गिन लिया डियर क्योंकि अरेंजिंग में तो हम लोग छोड़ने दिए हैं, नेपोलो में फंस जाएंगे फिर, इसको तो ध्यान से रखना है। एक बार तो क्या करेंगे, अभी अभी मैंने इसको बताया कि यहाँ 7 डेटा था तो 3 इधर ले लिए थे, 3 इधर ले लिए राइट और लेफ्ट में, 3-3 का ले लिए थे, तो बीच में जो मेरा आंसर हो गया। अभी क्या करेंगे, मेरा 8 है, 4-4 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, आंसर ही नहीं बचेगा, तो मेडियन कहाँ से निकलेगा? इसका मेडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8 में से अभी भी 3 लेंगे, 3 राइट में ले लेंगे और 3 लेफ्ट में ले लेंगे। लेफ्ट के तरीके से भी एक तरफ से भी एक छोड़ देंगे, 3 लेने के बाद एक छोड़ देंगे, क्योंकि 4 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और राइट के तरीके से भी लेकर के एक छोड़ देंगे। ये जब इवन में रहेगा तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। इवन हर एक इवन में करना क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ से एक छोड़ देंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से एक डिजिट छोड़ देंगे, एक डेटा, तब उसका फिर आंसर लेके आ पाइएगा इस तरीके से। तो देयरफॉर मेडियन, मेडियन इक्वल टू क्या बजा डियर, यहाँ 9 और 10 बजा, 9 प्लस 10 बटे 9 और 10 बजा, इसको 9 और 10 को यहाँ प्लस कर दिए तो बटे में क्या आ जाएगा, 2। तो 2 इसको हर एक में जो 2 आएगा, ये जो बटे में 2 लिए हर एक में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना पर डिजिट होता लिख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 10 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19/2, और इक्वल टू में क्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो 9.5 यानी 9.5 इसका आंसर आ गया डियर। तो डियर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए डियर यहीं तक, आगे वाला जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।